Hello guys, I am Brajesh and I welcome you all to my YouTube channel Banking Spartan. So जैसा कि आर बी आई ने अटेंडेंट का मैंने बताया था तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है. सो एक और न्यूज़ आ रही निकल कर कि एस बी आई जूनियर एसोसिएट को लेकर और सारस्वत बैंकों को लेकर. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन फॉर मोर अपडेट्स. सो जूनियर एसोसिएट का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के लास्ट वीक के जो डेज होते हैं है ना, जो 28, 29, 31 या तो उस समय या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा है ना. और मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक इन ये हाईली एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है ना, कन्फर्म न्यूज़ है. उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि जो सारस्वत बैंक है उसका पहले भी पिछले साल भी नोटिफिकेशन आया था आई थिंक. तो सारस्वत बैंक जो है वो आल्सो गोइंग टू रिलीज़ देयर नोटिफिकेशन ऑफ क्लर्क और पीओस है ना, तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये था एक इन्फॉर्मेशन. और जूनियर एसोसिएट की जो डेट है जो मैंने जो बताई थी या जो मार्केट में चल रही है वो सही है, हाईली एक्सपेक्टेड वही है. जून में उसका प्रीलिम्स होने वाला है और जुलाई में उसका मेंस होने वाला है ना. और वैकेंसीज की बात करें अगर एस बी आई जूनियर एसोसिएट की तो अप्रॉक्स सेम ही रहने वाली है जो इस बार आई थी. अगर मार्जिन रहेगा भी तो 100-200 वैकेंसीज का रहेगा है ना, 200-300 प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है, 100 या 200 अप्रॉक्स. बाकी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला है ना, सेम वैकेंसीज आएगी. और सारस्वत बैंक की वैकेंसीज क्या रहने वाली इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कितनी क्या वैकेंसीज रहेगी कोई पता नहीं है ना. सो ये था एक वीडियो जूनियर एसोसिएट और उसके नोटिफिकेशन को लेकर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स बैंकिंग स्पार्टन. थैंक यू.